स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ एफ से भी। देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे फिर से एक बार ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्जाम के लिए। देखिए कुछ दिन पहले मतलब 2-3 दिन पहले एक आइडियो वायरल हुई थी उसमें ग्रुप में, और वो वायरल एग्जैक्टली यूपी ट्रिपल एससी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट की ही थी, जिसकी वजह से मुझे वो सारी चीज़ें उसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ा। 27 लोगों की लिस्ट थी। देखिए अभी मैंने उसी दिन आपको आपके अपने एक स्टूडेंट को जो लखनऊ में ही रहता है वहाँ पे मैंने उसको सेंड किया था, भेजा था। वो डिपार्टमेंट भी गया था, आपके विभाग भी गया था, सिंचाई विभाग में और यूपी ट्रिपल एससी में गया था। दोनों जगह जाने पर उसके एक बात सामने आई कि यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ जारी नहीं की गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसी दिन 6 तारीख को ही आपका वीडियो का बड़ा व्यापक धरना चल रहा था। हो सकता हो उसके गुस्से में बोला गया हो कि मतलब आपके लिए कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया। एक लड़का जब वहां पूछा तो उससे ये पूछा गया आपका नाम क्या है, तो जब उसने अपना नाम बताया तो उन्होंने कहा आपका इस लिस्ट में नाम आपका नाम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब दो तरफा चीजें यहां से निकल के आ रही है सामने। तो इसलिए 10 फरवरी को जो जितने लोग की 27 लोगों की लिस्ट है अगर वो जो जा रहे हैं तो एक बार बात करके जरूर जाइएगा कि इनका नाम है कि नहीं या ऐसी कुछ चीजें है कि नहीं। ऑलरेडी मैं उसी दिन वीडियो डिलीट कर दिया था जब मैंने उसको अपलोड करने के बाद अपने मतलब कुछ एस्पिरेंट्स को भेजा था, वो सारी चीज़ें जब पता किए थे दोनों जगह पे। ठीक है, मेरे एके पांडे जिससे डायरेक्टली बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको भी मतलब सूचना दीजिए। मतलब फ्रेंड्स कुल मिला के चीज़ें सही वायरल तो हुई बट उन्होंने अवॉइड किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी चीज़ यह है कि लिंक कब तक होगा ओपन होगा चॉइस पे लिंक की, चलते हम अपने ग्रुप में और कुछ डिटेल चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों ये आइडियो आपको एक बार फिर से सुन लेना चाहिए, वहाँ पर डिपार्टमेंट में जो बात हुई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए सर। एक्चुअली सर नलकूप ऑपरेटर के ज्वाइनिंग अलॉटमेंट के संबंध में आपकी जानकारी चाहिए। हाँ, बताइए। सर अलॉटमेंट सर कब से स्टार्ट होगा? सर इतना टाइम हो गया सर, आश्वासन पे आश्वासन, लेकिन सर डेट नहीं पता चल रही की कब अलॉटमेंट होगा। नहीं हो रहा, जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगा किसान को। सर लगभग कितना सर कुछ आइडिया दे दे कि मतलब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाए सर। जल्दी सुनिए सर, 10-15 बाद फोन करिए। सर एक बात सुनिए, 10-15 दिन के लिए बात दूर छोड़िए, आप लोग महीने और तो 2 महीने से यही सोच रहे हैं। आज तारीख तो 10 तारीख को दी गई थी, आज तो सैटरडे है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर अब फिर 10-15 दिन बाद करेंगे तो मार्च आ जाएगी, फिर वही 15 दिन बाद फिर अप्रैल मई जून जुलाई फिर। ऐसा नहीं होगा। सर अलॉटमेंट के संबंध में सर कुछ बता दीजिए कब से चालू होगी। इतना नहीं जाएगा। सर प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है सर, प्रोसेस फाइनल स्टेज में है। फाइनल स्टेज पे है तो सर लगभग कब से स्टार्ट होने की सर कुछ संभावना? फाइनल स्टेज से ओके हो जाएगा तो आपको फिर कुछ कहा जा सकता है। नहीं वो तो सर सर चीजें तो ओके हो ही जाती हैं विभाग में, क्योंकि काम तो इसीलिए आया है ना कि सर ओके होने के लिए। नहीं फाइन है, लेकिन एक समय लगता है ना विभाग में। सर मानते विभाग में समय लगता है, लेकिन सर क्योंकि हमारा जैसे डिजिटल। तो फ्रेंड्स ये आइडियो मतलब मैंने पूरी सुन ली है ग्रुप में, जितने 1000 लोग हैं जुड़े हुए हैं, मतलब 3-4 ग्रुप है पूरा ट्यूबवेल ऑपरेटर एंड वीडियो से, तो मैक्सिमम ट्यूबवेल ऑपरेटर का है। तो उन सारे मैंने ये आइडियो शेयर की है, जो लोग जुड़े हैं वो डायरेक्टली सुन भी चुके हैं सब सारी चीज़ों को इनके। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये हर दिन कोई 10 दिन कोई 15 दिन ऐसे करके चीज़ों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे से मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि 12 तारीख को आपको डिपार्टमेंट आना है कि नहीं आना है। देखिए कई सारे स्टूडेंट का मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट है, मैसेज आया, फोन आया लगातार, अरे लगभग 200 से 250 लोगों का फोन आ चुका है, क्योंकि मैं मतलब अभी धरना के पक्ष में नहीं था तो नहीं, बट लेकिन जैसे ही मुझे ये आइडियो मिला है तो फ्रेंड्स मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मतलब डिपार्टमेंट जरूरत तो है डिपार्टमेंट की। ऑलरेडी कर्मचारी यूनियन के थ्रू धरना किया गया, सब कुछ किया गया, बट इनके कहने के बाद भी कि अगर ये चाहेंगे तो प्रशासन इनको मंजूरी मिल जाएगी, ये अपने आवश्यकता को प्रशासन में बता सकते हैं, बट ये है कि इनके भी थ्रू लगातार ये सब चीज़ों को मतलब लगातार आपको अब मतलब आगे बढ़ाया जाता जा रहा है। तो कई सारे स्टूडेंट कहे कि सर 12 तारीख को हम लोग आना चाहते हैं और एक बड़ी संख्या में आना चाहते हैं, हम लोग भी वीडियो की तरह धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हमें भी जल्दी से सिलेक्शन चाहिए। वो वीडियो DB के लिए उनकी सुनवाई हो चुकी है या होने वाली है, ऐसा हमको भी करना चाहिए ताकि हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो चुके। तो देखिए मैं पूरे स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर देना
लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखो भाई मुझे, मैं इस वजह से अब नहीं कर रहा था क्योंकि मैं 2-3 बार रिक्वेस्ट किया और आप उतनी संख्या में नहीं है जितनी संख्या में आपको आना चाहिए था। अदरवाइज आप आए होते तो ज़रूर अब तक आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होती। तो एक रिक्वेस्ट है, आप देख लीजिए और जितने भी ज़्यादा लोग हो सके आएँ। और देखिए आपको धरना देना है, शांतिपूर्ण धरना देना है, आप बात करके चले आते हो तो इससे कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह दे रहा हूँ कि एक बार आप मतलब जितने लोग हो सके 12 तारीख को जरूर पहुँचे। और 10 तारीख वाले लोगों का जो कंफ्यूजन है भाई, देखो अभी खुद के अंदर भी कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, इसलिए मुझे ऑलरेडी वीडियो डिलीट करना पड़ा। मैं UP SSC में भी लड़कियों को भेजा और डिपार्टमेंट में भी, तो वहाँ से चीज़ें मतलब नकार दी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, होता तो ऑफिशियली शो किया जाता, ठीक है। तो इसलिए 10 तारीख वाले थोड़ा देख के जाएँ। फ्रेंड वीडियो के लास्ट में 2 वीडियो आ रही हैं, दोनों वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने 5 ग्रुप में एटलीस्ट 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वो भी वीडियो आपके लिए है, आपके लिए सिर्फ ट्यूबवेल ऑपरेटर टारगेट नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी आपको बहुत बड़ी चीज़ें करनी है। फ्रेंड्स कई लोग का मैसेज आया था, तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, शायद आपके सिलेक्शन से ज़्यादा मैं अपनी मेहनत को तवज्जो देता हूँ और आपसे ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप सबकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए। तो आप सपोर्ट करते रहिए और दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।